लाइट है, पानी है, करीब 8.5 मीटर हाइट की स्ट्रक्चर जिसमें बीच में दीवार है, तो दो टुकड़े हो गए। उसमें पानी भी है, बिजली भी है, सनलाइट तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है। अंदर लाइट है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है। उस 2 किलोमीटर में टनल पूरी हो चुकी थी, मतलब करीब 8.5 मीटर हाइट की स्ट्रक्चर जिसमें बीच में दीवार है, तो दो टुकड़े हो गए। दोनों तरफ करीब करीब, दोनों मिला के करीब 13.5 मीटर, तो 6.5-7 मीटर के तरफ एक तरफ, 6.5-7 मीटर के करीब करीब दूसरी तरफ बीच की एक वॉल, वो फिनिश्ड स्ट्रक्चर है। तो वहाँ कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि जब एक बार टनल फिनिश हो जाती है तो अमूमन वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होती है, और उसमें पानी भी है, बिजली भी है, और जो 4 इंच की पाइपलाइन है उसके थ्रू पहले दिन से लगातार चना मुरमुरा है, वो उनसे बात करके ही तय हुआ, क्योंकि ओनली वही चीज़ जा सकती है जो पंप की जा सके वो डिस्टेंस के थ्रू। तो चना मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद लोगों ने सजेस्ट किया, तो क्योंकि सनलाइट तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है, तो विटामिन बी, विटामिन सी, उस टाइप की चीज़ जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया, एंटी डिप्रेसेंट्स। और फॉर्चुनेटली उन लोगों के बीच में 2 फोरमैन हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लोग टनल पे काम करते हैं, तो दे आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ, मतलब उन्हें निराशा भाव नहीं है, जो बात होती है रोज़, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, और ये बात सही है, समय लगे बट विल टेक देम। जानकारी है कि सिलक्यारा टनल में एक कॉलेप्स हुआ, जिसकी वजह से हम सब लोग, पूरा देश उसको परेशान है। उनकी ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, इसलिए उसके बचाने के हर संभव प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा 2 पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड होंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी, ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं, इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लैटिस फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते हैं, जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है इस 2 किलोमीटर के। उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, तो सेफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद करीब 480 मीटर का इलाका भी वहाँ पे हटाया नहीं गया, और उसके बाद करीब 1.7 किलोमीटर की जो टनल है वो भी उसकी फिनिशिंग स्टेज पर है। क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से यहाँ पर कोई जमीन का मूवमेंट नहीं देखा गया था, सब जगह लैटिस फ्रेमवर्क लगा के सेंसर्स लगाए जाते हैं, तो उस वजह से इन्होंने इस पे फाइनल फिनिश करने के लिए, कॉन्क्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई, वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं, तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की, जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर सभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उनसे बात होती है। अब हम लोगों ने इसको सेव करने के लिए जो सारा इंटरनेशनल टनल एजेंसीज हैं,
जिस दिन ये घटना हुई थी उसी समय सारा कांटेक्ट करा गया था कि व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन बताते हैं वो ये, इस जोन में यहाँ पे हम लोग इस मक के थ्रू एक पाइपलाइन डाल दें 900 ml की। तो वो पाइपलाइन डालने का काम वहीं तत्काल शुरू कराया गया, जो एक उत्तर प्रदेश की जल विकास निगम है उनके पास इसकी एक एग्वर मशीन थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मशीन की स्पीड जो थी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हम लोगों ने ये हाल फिलहाल एयरलिफ्ट करके एक अमेरिकन एग्वर मशीन यहां दिल्ली से भेजी, वो मशीन सेटअप हो गई और 20 मीटर तक उसका पाइप अंदर जा चुका था। उस समय पाइप आगे क्यों नहीं जा रहा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या परेशानी आ सकती है। तो उस समय वापस यहां अर्थ में मूवमेंट हुआ, अर्थ के मूवमेंट में क्रैकिंग साउंड्स हुई, तो सारे के सारे मजदूर बाहर आ गए और उसको माना गया कि उसी समय आगे काम कराना थोड़ा अनसेफ है जियोलॉजिकली।